हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो फ्रेंड्स, आज मैं ये सिंहासन बनाने वाली हूँ। ये मैंने प्रिंट आउट निकाला हुआ है, आप चाहें तो ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये जो पोर्शन है मैं कार्डबोर्ड की हेल्प से बनाने वाली हूँ, और जो सीट वाला पोर्शन है ये मैं थर्माकोल की हेल्प से बनाने वाली हूँ। तो यहाँ मैंने 7 इंचेस का थर्माकोल को कट कर लिया है और पीछे कार्डबोर्ड को भी कट कर लिया है। यहाँ मैंने वॉल पुट्टी का डो लिया है। वॉल पुट्टी का डो कैसे बनाया जाता है इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो यहाँ पर वॉल पुट्टी की शीट बना करके इस तरीके से थर्माकोल पर लगा देंगे और इसको कम्प्लीटली हम इस तरीके से कवर कर लेंगे। इसी तरीके से पैनल्स को भी हम कवर कर लेंगे और पानी की हेल्प से इसको स्मूथ कर लेंगे। अब ये जो पीछे वाला बैक साइड का पोर्शन है, हम यहाँ पर वॉल पुट्टी की शीट लगाएंगे और इसकी इस तरीके से कटिंग कर लेंगे। पानी की हेल्प से इसको अच्छे से फिनिशिंग देंगे और इसको पूरे को इसी तरह से हम कवर करेंगे। ड्राई होने देंगे और ड्राई होने के बाद मैंने इस तरीके की पेटल्स बनाई हैं, वो हम यहाँ पर लगा देंगे। वैसे तो फ्रेंड्स मैं इसको ऑनलाइन भी परचेज कर सकती थी, लेकिन अपने हाथों से बनाई हुई चीज़ों की जो सेटिस्फेक्शन होता है उसकी बात ही कुछ और होती है। हाँ, मैंने इस तरीके से पिकॉक को शेप दिया है और यहाँ 4 सिलेंडर बना लिए हैं। इसके ऊपर थोड़ा थोड़ा इस तरीके से डो लग जाएगा और डो लगने के बाद ये देखिए इस तरीके से ऐसा लग रहा है जैसे मशरूम की शेप होती है। तो यहाँ मैंने छोटी छोटी बॉल्स लगा दी हैं, वो डिटेलिंग्स के लिए, और छोटे से होल्स कर दिए हैं। डिटेलिंग के लिए आप कुछ भी कर सकते हैं। सीटिंग वाले पोर्शन पर मैंने यहाँ पेंसिल से डिज़ाइन ड्रॉ किया है और ड्रो करने के बाद मार्बल पाउडर और फेविकोल का पेस्ट बनाकर उसको कीप में फिल किया और अब यहाँ पर इस तरीके से डिटेलिंग कर रही हूँ। तो यहाँ आप 3D आउटलाइनर का भी यूज कर सकते हैं। देखिए मैंने मार्बल पाउडर और फेविकोल को पेस्ट बनाकर उसको कीप में फिल किया है। काम करना बहुत ही आसान हो जाता है। फ्रेंड्स, मेरे चैनल पर बने रहिए और मुझे अच्छे अच्छे क्राफ्ट बनाने के लिए बताते रहिए। आपको क्या देखना है या आपको क्या चाहिए, यदि आपको मेरे क्राफ्ट अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताएं। मैंने डिटेलिंग वाले पोर्शन पर ब्लैक कलर किया है। कलर का कॉम्बिनेशन आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। यहाँ ब्लू कलर कर रही हूँ। वॉल पुट्टी से बने हुए क्राफ्ट बहुत ही सस्ते होते हैं और ये आसानी से मार्केट में अवेलेबल होता है। कलर के सूख जाने के बाद मैं यहाँ पर सिल्वर कलर से हल्के हाथों से डैपिंग कर रही हूँ। तो ये 2 बार डैप करने से आपका अच्छे से जो डिटेलिंग किया हुआ पार्ट है वो निकल आएगा। इसी तरीके से हम इस सिंहासन के बैक साइड पर भी करेंगे। मैंने यहाँ वॉल पुट्टी का एक गाढ़ा पेस्ट बनाया है और इसको इस तरीके से लगा करके
सिंहासन के बैक साइड पर लगा दूंगी। और इसको सपोर्ट के लिए मैंने एक भारी सी बुक ली है, आप कोई भी चीज़ ले सकते हैं, कोई भी भारी सामान लगा करके इसको सपोर्ट दे सकते हैं। तो साइड के पैनल भी हमने इसी तरीके से लगा लिए हैं और इसको 7 से 8 घंटे हम ड्राई होने देंगे। अब आती है नीचे स्टैंड की बारी, तो जो इसके हमने पैर बनाए हैं इसको पहले हम रख करके देख लेंगे। ये हमारा बिल्कुल फिक्स हो गया है, सही से बैठ गया है। तो अब हमने यहाँ पर लगाया वॉल पुट्टी और इसके ऊपर इसको लगा दिया है। इसको हम लगभग 3 से 4 घंटे सूखने देंगे, इसको बिल्कुल नहीं छेड़ेंगे। तो यहाँ हमारा ये छोटा सा लड्डू गोपाल जी का सिंहासन तैयार हो गया है। तो इस जन्माष्टमी आप भी अपने लड्डू गोपाल जी के लिए छोटा सा सिंहासन घर पर ही तैयार कर सकते हैं। मैंने अपने छोटे से लड्डू गोपाल जी को इस सिंहासन पर विराजमान भी कर दिया है। तो फ्रेंड्स, मुझे ये क्राफ्ट बहुत ही अच्छा लगा, आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और फिर मिलते हैं एक नए क्राफ्ट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।